कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, कौन नहीं चाहता खुशियों की प्राप्ति करना, कौन नहीं चाहता कि वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए। लेकिन आप लोग तमाम प्रयास करते हैं, तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको असफलता का मुंह क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि ग्रहों की चाल आपकी जन्म पत्रिका में किस प्रकार से है और आप बस भटकते रहते हैं। और इस कार्यक्रम की हमेशा से यही सत्यता रही है कि यहाँ पर आप लोगों को अपनी परेशानी बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो जो भी नए कॉलर्स आज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सभी से अनुरोध करना चाहूंगी, परेशानी बिल्कुल नहीं बतानी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी डिटेल्स हमें बताइए। तो चलिए आज भी कार्यक्रम के यहां पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हां दर्शकों, मैं बात कर रही हूं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। गुरु जी, स्वागत है आपका। गुरुजी, बिना विलंब किए कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं। कॉलर्स जुड़ गए हैं। पहली कॉलर है कांता जी कुरुक्षेत्र से। स्वागत है कांता जी आपका। हेलो जी, नमस्कार, बताइए अपनी जन्मतिथि। आंटी, मैं कांता बोल रही हूँ जी। कांता जी, जन्मतिथि बताइए। 31 समय सुबह 8:10। जन्म स्थान हरियाणा कैथल में। 31 दिसंबर जी। जी, आपने अक्टूबर बोला है, फिर दिसंबर बोल रहे हैं। 8:10 सुबह। 31 अक्टूबर है कि दिसंबर है? दिसंबर। आपने भी अक्टूबर बोला था? नहीं जी, दिसंबर बोल रही हूँ जी। दिसंबर। ये किनका डेट ऑफ बर्थ है? लड़के। क्या नाम है आपके बेटा का? आपने कुंडली बनाई है इनकी? हाँ जी, हाँ जी, बना दिया। आपके बच्चे की आयु शॉर्ट है, आयु मतलब उम्र। इनकी कुंडली में अष्टम घर में बना है केमद्रुम योग। आप कुंडली खोल के देखेंगे, बनवाए हैं। इनकी कुंडली नौ नंबर से स्टार्ट है, जिसके कहते हैं धनु लगन, और आठवां घर में 4 नंबर आ रहा है, जहाँ चंद्रमा अपने घर में तो है लेकिन चंद्रमा के आगे पीछे खाली है। ठीक है, ये बन गए इनकी केमद्रुम योग। तो इनके काम तो बिगाड़ेंगे ही, साथ साथ इनको करियर में, मैरिज में, दोनों में प्रॉब्लम देगा। और सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है वो आठवां घर आयु का होता, और आठवें घर से ही बना है केमद्रुम योग। तो ऐसे बच्चों को पूर्ण आयु में बाधक होता, ऐसे बच्चों को हमेशा जल से खतरा होता है, पानी से। तो कुंडली बनना बड़ी बात नहीं होती है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात होता है। और एक व्यक्ति के जीवन में टोटल 24 कुंडली होता है दर्शकों। 24 कुंडली बनने के बाद ही गणना होनी चाहिए। आप अपनी कुंडली खोल करके देखेंगे कि क्या आपके पास 24 कुंडली है? बिल्कुल नहीं होगा, मैं जानता हूँ 100%। और आपके बच्चे कुंडली में, इनके लग्न कुंडली में ही बना हुआ है केमद्रुम योग, जो इनका हर बनता बनता काम को बिगाड़ेगा और बच्चे की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। बच्चे चल जाएंगे सुसाइडल टेंडेंसी में। और अष्टम घर से जब केमदुम जो बन गया, मैंने कहा तो आयु के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत ख़राब होता है। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके इसकी पूरी कुंडली बनवा करके इसका उपाय करवाएं। दशा भी इनका बहुत निगेटिव जा रहा है। ये कुंडली में इस बच्चे का 2014 से इस समय ख़राब जा रहा है। आप उपाय नहीं करेंगे तो 21 मार्च तक का समय बहुत ख़राब है। कैरियर और मैरिज दोनों के लेके प्रॉब्लम होगा, बच्चे आपके चल जाएंगे डिप्रेशन में ढेर। जी, सहमत हैं आप गुरु जी की बात से? प्लीज कृपा
एक उपाय बता दो जी सर जी, बहुत मुसीबत में मैं किसी को उपाय नहीं बताता, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। उपाय बताने के लिए मिलना पड़ेगा, उसके लिए फीस लगते हैं, पैसे लगते हैं। मैं इसलिए पैसे लेता हूं कि हमारे यहाँ 24 कुंडली बनती है। जब तक मैं 24 कुंडली नहीं बनाता तब तक मैं किसी को आज तक उपाय दिया ही नहीं है। हम प्रॉब्लम बता देंगे, 100% मेरा विश्वास होता है कि आपको समस्या नहीं बोलना पड़ेगा। जबकि मैं देखता हूँ हमारी पत्नी भी, मुझे नहीं बोलना चाहिए, हमारी पत्नी भी आज किसी अच्छे ज्योतिष से मिलने गई थी जो कि दिल्ली के टॉप एस्ट्रोलॉजर थे। जब वो मिलकर के आई तो बोली कि अरे गया तो मैं, लेकिन वो जैसे पूछा गया, बोले क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हो। तो कहने का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर है ना, कहा जाता है अपने डॉक्टर ही अपना नहीं लगता। उसी तरह से ज्योतिषी भी अपने परिवार में अपने को स्वयं जल्दी नहीं लगता है, ये नियम है। और हर माँ बच्चे की चिंतित रहती हैं, तो किस अपने बच्चे की कुल दिखानी हमारी वाइफ चली गई, और मैंने मना भी किया लेकिन चली गई वो, मैं क्या करता। जब वहाँ से आई तो बोली कि बिल्कुल मुँह लटका हुआ था कि बिगाड़ हो गया। तो क्या नहीं, मतलब दर्शकों मेरा जो सिद्धांत होता है, मैं जो कहता हूँ कि किसी भी ज्योतिष को प्रॉब्लम मत बताइए, है ना। दूसरी बात, आपके समस्या का समाधान मैं आपको लाइव कार्यक्रम में कतई नहीं दे सकता जब तक आप मिलेंगे नहीं। तो चलिए कांता जी, समस्त डिटेल्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। अमोल जी हैं जलगांव महाराष्ट्र से हमारे साथ, स्वागत है आपका, जय माता दी। जय माता दी जी, बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरे 28 मई जी, 81 समय सुबह 4 बजे, जन्म स्थान जलगांव महाराष्ट्र जी, लाइन पे रहिए। जलगांव महाराष्ट्र, अमूल जी कुंडली बनी है आपकी? हाँ। बहुत प्यारा सा नाम है अमूल, इतना प्यारा नाम कि मैं कह नहीं सकता। मेष लगन और कुंभ राशि की कुंडली आपकी है, और आपकी कुंडली में जो स्थिति है आपके लग्न कुंडली से बन रखे हैं, इनकम के घर से विषाक्त केंद्रुम योग। जब चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होता तो बनता है केंद्रुम योग, और चंद्रमा के जब आगे पीछे राहु या केतु आ जाते तो वो केंद्रुम योग और ख़राब हो जाता। इसे कहते हैं विषाक्त केंद्रुम योग। क्यों? कि मान लीजिए कि आपका पड़ोसी कोई दुष्ट आदमी आ गया तो तंग तो आप ही होंगे ना। उसी तरह से जब चंद्रमा के पड़ोसी राहु केतु हो जाते तो काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। और आपकी कुंडली में सत्यता होगी, आप पता लगा लेना कि आपके परिवार में किसी न किसी की दो शादी जरूर हुई होगी, ये कुंडली की सत्यता होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो आपका टाइम आगे पीछे हो सकता है। दूसरी बात, बहुत सुंदर राजयोग बना है आपके धन स्थान में, सूर्य मंगल शुक्र का युति बना हुआ है जो बहुत अच्छा राजयोग बनता है। ऐसे बच्चे जीवन में इतने पैसे कमाएंगे कि आप दान करते करते तरते थक जाओगे। दो दो राजयोग बना हुआ है, गुरु शनि का युति राजयोग बना हुआ है, सूर्य मंगल शुक्र युति राजयोग बना हुआ है, लेकिन इस राजयोग का आपको लाभ नहीं होने देगा। वो लाभ क्यों नहीं होने देगा? ठीक उसी तरह कि मकान में पूरा वायरिंग किया रहता है, एक मास्टर फ्यूज उड़ गया तो पूरी मकान की लाइट गुल खत्म हो जाती है। उसी तरह से एकमात्र केंद्रुम योग आपकी पूरी लाइफ को ख़राब कर देगा, चाहे मैं वो करियर की बात करूँ या आपको मैरिड लाइफ की बात करूँ। आपके जो नमाज कुंडली है, नमाज कुंडली से भी स्थिति बनी है कि ऐसे बच्चों का विवाह नहीं होने देता, और विवाह हो जाता तो चलने नहीं देता। ये कुंडली कहता है यू आर ए हाईली एम्बिशियस, लेकिन आपके सोच आपका सोच तक ही रह जाएगा। और ये स्थिति आज से नहीं है, आप अप्रैल 2012 से परेशान हैं, उपाय नहीं करेंगे तो अक्टूबर 2025 तक का जो समय है आपका बिल्कुल रिवर्स है। आपके पास क्या कुंडली है नहीं है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि कुंडली खुद कहता है, खुद बोलता है, और इसी के आधार पर कहते हैं कि किसी भी ज्योतिष से मिलना पड़े तो आप कुछ प्रॉब्लम बताओ ही नहीं। और कुंडली बनने से नहीं होती दर्शकों, कुंडली की समस्या को निकालने से होता है। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके इसका उपाय कराएं, अन्यथा अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, सोचते सोचते आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी। जी, सहमत हैं आप गुरुजी की बात से? जी हाँ, 100%। चलिए, अगर आप 100% सहमत हैं तो आपको बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है, जल्द से जल्द एक अच्छे ज्योतिषी का परामर्श लीजिए और उपाय कराइए। बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंजू जी हैं दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका मंजू जी, जय माता दी। हाँ जी, बताइए डिटेल्स। मेरे बच्चे का नाम है प्रदीप शर्मा, 1981 उसका जन्म है, 4 अगस्त का। 4 अगस्त 1981। हाँ, जगह का नाम है ताउड़ू। टाइम बताइए, पहले समय बताइए। 12 बजे दिन में।
जन्म स्थान? जन्म स्थान ताउडू। कहाँ पड़ता है ये? ये रेवाड़ी के पास पड़ता है, हरियाणा में है, पता नहीं मेवात में है, मेरे को तो। रेवाड़ी। जी जी, लाइन पे रहिए। क्या नाम है आपके बच्चे का? संदीप। प्रदीप। प्रदीप। इनकी कुल्ली बनाया आपने? नहीं जी, कोई ऐसी खास नहीं बनी है। दो, खास बनवा लो आप, क्योंकि खास नहीं बनवाओगे आपके बच्चे की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। ये तुला लग्न की कुंडली है, राशि आप इनके कन्या राशि हो रखे हैं, विदेश जाने का प्रबल योग बना हुआ है, लेकिन समस्या क्या हो रखा है इनके कुंडली में, दशम घर में ही सूर्य राहु का बना हुआ है ग्रहण योग। और आगे बढ़ते तो दशमास कुंडली देखते हैं तो वहाँ चंडाल दोष बीस दोष बना है, नवमास कुंडली देखते हैं तो ग्रहण योग अंगारक योग बन रखा है। नवमास मतलब वैवाहिक जीवन, दशम घर मतलब कैरियर, तो कुंडली कह रहा है ऐसे बच्चों को करियर में और मैरिज में दोनों में परेशानी देगा, ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता, विवाह हो जाती तो चलने नहीं देता। इनकी शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई जी, बच्चे हैं दो जी। और ये कहीं जॉब कर, कहीं जॉब कर रहे हैं जी? जॉब का ही चक्कर हो रहा है, जॉब नहीं मिलती। 99% गवर्नमेंट जॉब लगेगा, 99%, लेकिन आपको उपाय करने पड़ेंगे। ज्योतिष से, फोन से, पूछने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता जब तक कि आप मिलोगे नहीं। लोगों की ये भावना बन गई, फोन घुमा दिया, ज्योतिष जी से बात हो गई, काम ही खत्म, कभी लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि आप मिलेंगे नहीं। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता कि आप यदि अच्छे ज्योतिष से मिले, ये मैं नहीं कह सकता कौन क्या करता नहीं करता, मुझे तो अपने से मतलब होता है। इसी साल 2019 का मैक्सिमम नवंबर तक इनको गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे यदि आपने सही सही अच्छे ज्योतिष से मिलकर के इसके उपाय की। तो बाद बाकी यदि आप उपाय नहीं करेंगे तो जो नमाज कुंडली बन रखा है इसके अनुसार कहीं न कहीं इनको पति पत्नी में टेंशन बढ़ा देगा या नहीं तो पत्नी का स्वास्थ्य को खराब कर देगा, अर्थात किसी न किसी कारण से ऐसे बच्चों को मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस देता और ऐसे बच्चे धीरे धीरे परेशान होकर के चल जाते डिप्रेशन में, और विदेश जाने का भी प्रबल योग बना हुआ है। तो बाद बाकी दर्शकों, मैंने कई बार कहा है दो मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं हो सकती, जब 24 कुंडली होता है तो एक कुंडली को दो मिनट देखा जाए तो 24 दुनिया 48 मिनट, और यही कारण है कि हमारे यहाँ एक घंटे का टाइम दिया जाता है। हमें असर लगता है, मैं सुनता हूँ कि ज्योतिष जी के यहाँ गए दो मिनट में कुंडली देकर के रत्न लिख दिया चले आए, कैसे होता है दो मिनट में, हमें समझ में नहीं आता। और दर्शकों आप इसको माने, सूर्य और चंद्रमा की तरह सत्यता है इसमें, और मैंने कई बार ये भी कहा है हम बच्चों की पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते और जब जॉब नहीं लगता तो बच्चे भी परेशान और आप भी परेशान और हर ज्योतिष जी के यहाँ फ़ोन घुमाते रहते। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कॉल किया, मैंने आपको जवाब भी दिया। मैं चाहूँगा कि आप एक बार मिल करके इसकी समस्याओं को समाधान करें, जो 2019 इसका खाली नहीं जाए और बच्चे का लाइफ सेट हो जाए। जी, सहमत हैं आप गुरु जी की बात से? हाँ जी। चलिए, अगर आप सहमत हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे गुरु जी ने बताई हैं, बस आपको जल्द जल्द उपाय कराने हैं जिससे कि आपके बेटे का भविष्य बेहतर हो सके, उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिल पाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भवानी जी हैं जयपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ मैडम। बताइए अपनी डिटेल्स बताइए। 10 दिसंबर 1971। समय? समय सुबह 7:10। जन्म स्थान? सीकर राजस्थान, खाटू श्याम जी। जी, क्या नाम है? भवानी। भवानी जी, कुंडली बनी है आपकी? जी हाँ बनाई थी मैंने। जी जी, वृश्चिक लगन की कुंडली है और राशि आपका सिंह राशि हो रखा है। जी, वृश्चिक लगन की कुंडली मतलब कुंडली का 8 नंबर से बनना। अब जब कुंडली खोलेंगे तो आप देखेंगे 8 नंबर से बना हुआ हुआ है ना। और एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा है कार्यक्रम में कि जिनकी कुंडली वृश्चिक लगन की हो जाती, ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलता, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी समस्याएं भी बढ़ती जाएगी। वो क्यों, आप साक्षात उदाहरण ले लें, आप 8 अंक को मल्टीप्लाई करें, जिसे हम पहाड़ा कहते हैं, 8 × 2 = 16, 1 × 6 = 7, 8 × 3 = 24, 2 × 4 = 6, क्या हो रहा है, 1 अंक गिर रहा है, 8 × 4 = 32, 3 × 2 = 5, 8 × 5 = 40, 4 × 8 तक पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक एक अंक गिरते 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 1 पर पहुंच जाएगा वो।
जबकि और कोई पहरा पड़ते हैं तो बढ़ता है, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, बढ़ते ही चला जाता है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलता तो बच्चे व्यक्ति का लाभ पूरा लाभ डिस्टर्ब कर देता है। और आपकी कुंडली में दशम घर से बना है विषाक्त केंद्रम योग, और लग्न कुंडली के जस्ट बगल में एक नमास कुंडली होता है। यदि आपका टाइम सही है तो मेरा अपना मानना है कि ऐसे व्यक्ति का मैरिज लाइफ बिल्कुल खराब कर देता है, चूँकि आपके नवमांस में चंद्रमा से केंद्रम योग बना है, आपके लग्न कुंडली में सप्तम घर में शनि बैठा हुआ है जहाँ मंगल की दृष्टि पर रखी है, राहु की दृष्टि पर रखी है। तो मंगल शनि राहु तीनों पाप ग्रह होते और तीनों को कहा जाता है विच्छेदात्मक ग्रह, ये जिस घर को देख लेते उसे संबंध विच्छेद हो जाता। और यदि आपका टाइम गलत होगा तो मेरी बात अलग है। लोग कहते नहीं गुरुजी मैं तो टाइम बिल्कुल कन्फर्म हूँ। अरे भाई मैं तो खुद कन्फर्म नहीं हूँ, आप कैसे कन्फर्म हो जाओगे? जब मेरी जन्म हुई थी, जब आपकी जन्म हुई थी, हमें होश कहाँ था? जो पापा मम्मी बताते हैं वो मैं जानता हूँ। इसलिए कभी कभी क्या होता है, दो चार मिनट में पूरी कुंडली बदल जाती है और मेरी एक बातें भी आपको नहीं मिल सकता है, हो सकता है। तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं इसमें अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सोचते सोचते आपका समय निकलते चला जाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे समस्याएँ बढ़ती जाएगी। और टाइम सही है तो 99.9% ऐसे व्यक्ति का मैरिज लाइफ भी खराब कर देता है। बाद बाकी थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर दशा क्या जा रखा है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में आपके दशा चल रखे हैं गुरु का, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु का दशा बहुत कारक होता है, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुंडली कह रहा है अप्रैल 2012 से आपकी जिंदगी का टॉप टाइम चल रहा है, लेकिन यह नेगेटिव योग जो केमदुम योग बन गए आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप नमाज खोल के देखें, हर व्यक्ति के पास भले 24 कुंडली नहीं हो लेकिन लग्न कुंडली नमाज कुंडली सबके पास रहता है। आप नमाज खोल करके देखेंगे चंद्रमा के आगे पीछे खाली है, लग्न कुंडली देखेंगे चंद्रमा 10 नंबर में, नवम घर में केतु बैठ रखा है, 11वां घर खाली है। तो विषाक्त केमदुम योग और केमदुम योग चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। तो आप एक कच्चे ज्योति से मिलें, मिलकर के उपाय करें। यदि आपकी पत्नी की आपका मैरिज लाइफ अच्छा भी होगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता कि मैरिज लाइफ खराब कर देगा आपका या पत्नी की हेल्थ खराब कर देगा। जी सहमत हैं आप गुरुजी की बात से? सहमत हैं आप? चलिए लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। अगर आप गुरुजी की बात से सहमत हैं तो उपाय करा लीजिएगा, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। दर्शकों जिन कॉलर्स का कॉल आज कार्यक्रम में नहीं लग पाया है, परेशान बिल्कुल ना हो, अगली सुबह 9 से 10 के बीच आप लोग गुरुजी से बात कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का। गुरुजी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, जय माता दी। नमस्कार जी, नमस्कार, शिवरात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान हैं? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।